हाँ तो गाइस आज फाइनली ये चले जाएगा हमारा बाबू, फिर से आएगा इसे हमारा ब्लॉग देखेगी खुद ही खुश रहेगा क्योंकि इसको ना हमारी आवाज की आदत हो गई है। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप सो आप लोग सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइज आज है नया साल नेपाली गोरखालियों का, जिसे बोला जाता है पहलो बैसाख। सो गाइज फ्रेश होके आ चुका हूँ, तो मम्मा पक्का इमोशनल होगी देखना। पता नहीं मैं घर में हूंगा कि नहीं हूंगा उस टाइम पे, बट मम्मा जरूर रोगे तो नहीं। मम्मा अक्का आप छोटी छोटी चीजों में तो रोते हो। एक तो हो रहा, एक हो रहा हमारा ये रो। क्यों रोना पड़ता है इसके लिए? सिर्फ 200 ग्राम का था, मैं लेके आया था, वजन करा था, डॉक्टर 200 ग्राम था। 200 ग्राम और डॉक्टर कहता है 3.5 महीना का। अच्छा, इसको तो मैंने बहुत सेवा करा, बहुत इसको साथ सुलाया। ये तो है। और गाइस पता क्या रहता है, मैंने एक चीज देखा पर्सनली, हम छोटे से किसी भी चीज को पालते हैं ना तो बहुत अटैचमेंट हो जाती है। और जैसे हमारे घर का पार्टी, हमारे घर का शशि राय, इसका जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं इसका पूरा नाम शशि राय लिखवाते हैं, तो बहुत क्लोज है हमारे शशि। बट इसकी हरकतें ऐसी कि ना आप एक हफ्ता अपने पास रखेंगे ना आप बोलोगे भाई नहीं रखना, बट एक हमारा हीरो है, हम बहुत प्यार करते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सुधार आए। मम्मा को जो काटता है ना वो थोड़ा सा यार डर लगता है हमें, क्योंकि हम घर पे रहते नहीं है, पता नहीं अब मम्मा के साथ खेलता वेलता भी रहता है पर एकदम से काटने लग जाता है, ये भी बहुत टेंशन है। तो गाइज मम्मा आज स्पेशली खीर बनाने वाली है। अच्छा, पहाड़ों में हमारे यहाँ पे ना बेशक लोग इतना ज्यादा अर्न नहीं करते, बट वहाँ पे लोग ना एंजॉय करते हैं एवरी मोमेंट, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते अपनी फैमिली के साथ। और सिटियों में ये गाइस देखो, हम भी सिटी में रहते हैं और सिटी में क्या लोग भाग दौड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा है, सब भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, बहुत ही कम लोग होंगे जो मिलजुल के फैमिली रहते हैं, एज अ फैमिली रहते हैं। अदरवाइज तो मैंने अपने ही नोन में अपने जान पहचान में इतने लोग देखे, अलग अलग ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो यही चीज है, और मेरा मेन मकसद ये रहता है अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू, कि जितना आप लोग साथ में रहो उतना अच्छा आप लोगों के लिए। और आप लोग बोलते हुए कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो, बताओ ना मम्मा, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं आप कैसे मैनेज कर लेते हो जॉइंट फैमिली को, क्या आप अपना मैसेज देना चाहो? जॉइंट क्या, मेरा ही बच्चा है, जॉइंट फैमिली तो ऐसा होता है ना, तुम लोगों को जॉइंट फैमिली, तेरा भी बीवी होगा, बच्चे होंगे, फिर है ना सब इकट्ठे तुम रहोगे तब। अभी तो मेरे बच्चे मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करती हूँ बस। अच्छा, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है गाइस, मम्मा बिग बॉस होता है ना, मम्मा इस घर की बिग बॉस है, तो जो मम्मा कहेंगे वो फाइनल डिसीजन होता है हमारे घर में। और हम सब रिस्पेक्ट भी करते हैं मम्मा की बातों का, मम्मा का डिसीजन लास्ट डिसीजन है। मम्मा ने बोला कहीं जाना है तो जाना, मम्मा ने बोला ये काम नहीं करना तो नहीं करना। जब तक एरिक्स आया ना तब से हमारे ये शशि जो है ना हमसे भी कटा कटा सा है। काट रहा मम्मी मुझे यार, देखो गाइस बोला तो काट के गया, देखो तुझे तो खून नहीं निकलता ना। शशि तुम्हें है क्या बताना, मेरे को तो कॉल काटा हुआ दे, गिरा ये सीधा मिलता हूँ, देखते सिचुएशन के ऊपर डिपेंड, या तो मैं आफ्टरनून में मिलूंगा या तो मैं आपको रात को ही कंटिन्यू मिलूंगा। तो गाइस फिर से मम्मी को शशि ने काट लिया, थोड़ा जलस फील कर रहा शायद, आई डोंट नो, ये देखो काटता रहता हूं मेरे को। ये आज सुबह का है, ये रहा देखना फूल रहा, ये अभी का है, ये रहा पता नहीं आती में जैसे मामा चिल्लाने लगेगा, इस देखो मामा को कितना काटा, देखो मैं तो खेलता हूँ तो इसलिए लग जाता है, मतलब खेलते खेलते लग जाता है ना। साइड में थी इसलिए अपने दोनों छोड़ गए थे, वो आते रहते थे, एक दो दिन छोड़ कर नहीं आए थे क्योंकि रास्ता नहीं पहचान पाए थे कैसे आना है कैसे जाना। जब पहचानने लगे तो फिर आ जाते थे, मेरी छत पे आ जाते थे, अगर वहाँ नहीं जा पाते थे तो हमारा कुछ जो वो आते रहते वो ऊपर से आ जाते थे, फिर मैं बुला लेती थी उसको, तो पकड़ लेते मम्मा चिल्लाने लगे, मैं सोचा क्या हो गया, तो शशि ने फिर मम्मा के काट लिया। हम तो चाहते हैं वो रहे, एंजॉय करे, मेरा प्यार देखते हैं, तो प्यार करते हैं उससे बहुत ज्यादा यार, हम बहुत प्यार करते हैं दिल से, तभी तो छोड़ नहीं पा रहे। हाँ तभी तो हम लोग इतना हो जाते, देख रहे मम्मी पूरा काला हो रखा नीचे, देख रहा दाग ही दाग हो रखा, अच्छा तुम्हें लगता कहीं जाते तो यार, पूरा हाथ काट गया खून, सोचो तुम रोज अपनी मम्मी को खून से सने देख रहे हो, उठते ही सुबह उठते ही खून से सना, अपनी मम्मी को देखना पसंद करेगा आज की जिंदगी में? कोई पसंद नहीं करता। ये तो प्लीज ये जो दाग मैंने एक ही दिन काटा है ये, लेकिन हाँ उसको ये है कि अगर वो कभी आएगा तो खाना वाना। देखो गाइस कितना काट लिया भाई, देखो ना मम्मा मेरी बात मान लो, यहाँ नीचे कुछ लगा लो कि काटना है उसका दांत ही टूट जाए,
रियल में मजाक नहीं कर रहा सच में यार, उसको ऑपरेशन करा दो। रो रहा था तो इसको बाहर आना था। लेके आते रहना बीच बीच में से बाबू बाबू। फर्स्ट बॉल क्यूट लग रहा है नहीं? प्रिया बहुत प्यारा, एकदम एकदम मेरे ऊपर गया है। नहीं यार देखो, ये ऐसी ब्रीड है कि कुछ किसी को हमला नहीं करता, काटता नहीं है, प्यार करता, मोहब्बत फैलाता है। तो और ये ऐसी इसलिए बनाए कि घर पे रखो, ऐसे छोटे में ऐसी तो था। बहुत ही प्यारा लगता है जब ऐसे बैठ जाता है। क्या बढ़िया घर है इसका देखो भाई। पानी पानी और रिजन पानी पानी इसके अंदर। और गाइस देखते हैं इसका डिसीजन क्या है, आप लोग डिसाइड करो। ये ब्लॉग डालते हैं हम लोग, डालो इस ब्लॉग को और देखते हैं क्या करना चाहिए हमें, ना कुछ पता तो चले यार। इतने दिनों से आप लोग हमारी फैमिली को इतने अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो यार तुमको तो बोलने का मौका चाहिए बस। पाल के देख इतना भी कॉल देखना इतना गंदा। अरे नहीं, हमने अच्छा किया कि जानवर को लाए एक टाइम पे, मरने वाला था, बचाया गया के मैंने। हां उसके देखा पेड़ से कीड़े निकले, हमने देखा मम्मी को कितना काट लिया रिजवान। तो गाइस भाई शैशी के पास ही जा रहा था ये, उसे बुलाया तो नहीं उसको। इसका ना एक ही ऑप्शन, एक बार ऑपरेशन करा के देख लेते, क्या पता थोड़ा शांत हो जाए वो। नहीं ऑपरेशन नहीं करा सकते, उसके जेनेटिक के सामने नहीं खेलना, जो नेचुरल है उसे नेचुरल रहने देना चाहिए भाई। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा भी ऐसा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। ऑपरेशन करेंगे ना ये 15 दिन भी लगता है, 1 महीने में लगता है, वो घाव होता है ना ठीक होना होता है, उसे चाटना नहीं होता पिछवाड़े को। बाहर से खाना मंगा लेते हैं। हाँ आज बाहर से मंगा लेते हैं। बाहर से मंगाते हैं क्या मंगाना है? कुछ भी मंगा लेंगे, मंगा लेंगे। चावल भिगो रखा है तो चावल बना दो, तो बाहर सब्जी मंगा लेंगे। सही किया आपने, दाल ही तो बनाना है बस। अरे नहीं ना यार, आपका एक ही चीज है। तो गाइस आज बहुत लोग, सारे लोग गैदर है, क्यों गैदर है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतने सारे लोग क्यों आए हुए। और उसके अलावा गाइस आप लोग भी कमेंट कर देना कि क्या करा जाए शैशी के साथ, बहुत ज्यादा ही काट रहा मम्मा को शैशी ना, तो एवरीडे खून निकाल देता है। आज मेरे भी काटा था, गॉड इसने पिशाब कर दिया मेरे ऊपर। ये देखो पिचकारी से आया बाबू, बोल तो देते हैं आपका लास्ट डे, छी और पिचकारी कर दिया मम्मा। ये तो मुंह दिया यार, भाई नाला, ये क्या मजाक है ये देखो। नहीं 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 गाइस देखो, अच्छा नहीं नहीं उसके अंदर घुसा था, वहां पानी था। अच्छा कोई सुसु नहीं करा है बाबू, और कभी नहीं सुसु करता मेरा। रो मत मम्मा, क्यों रो रहे उसके चक्कर में गाइस देखो, मम्मा रोने लगी, इमोशनल हो गई। मुझे शैशी ने काटा इसीलिए, ये तो आता रहेगा। गाइस मम्मा रो रही है, दिखा नहीं रही, जब ये जाएगा ना, भी रिजु ले जाएगा ना तब रोएंगे। अबे मैं नहीं रोऊंगी, ये देखो आंसू, देखो गाइस यार देखो, रिजन बोल दे ना पहले मुझे शैशी ने कितने जोर से काटा था। पहले तो बहुत काटा था, फिर उसके बाद अब हो गया ना प्यारा, वो अभी भी काटा उसने। देखो पूरा टॉर्चर करता है, मेरे को बहुत टॉर्चर करता सच में, पर मैं इसको लेके आया करूंगा महीने में। हां लेके आना, महीने में एक बार लेके आना। कहां बस रहे बेबी, अंदर नीचे जगह नहीं है। तो गाइस मम्मा ने खीर भी बना रखा है, बिकॉज आज नेपाली गोरखालियों का आज नया साल है, तो दैट्स व्हाई मम्मा ने खीर बना रखा है। और ये मेरा खीर है, और मम्मी थैंक यू सो मच खीर के लिए। रिजु तुमने खाया? हाँ अभी खाऊंगा ना। अच्छा खाओगे? मैं सोच रहा वीडियो को, ब्लॉग को भी एंड कर देता, बिकॉज आप लोगों के लिए अब आने वाला है बिल्कुल सरप्राइजिंग ब्लॉग्स वीडियोस, तो बहुत मजा आने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड। और एरिक साथ चला जाएगा और बहुत इमोशनल मोमेंट है सच बता रहा हूँ। मतलब वो एक दो दिन रहा ना, तो एक दो दिन में हम इतने अटैच हो गए पूरी फैमिली, और मुझे पता मम्मा जब जाएंगे ना पक्का रोएंगे जरूर, अभी तो अपने आप से छुपा रही है। तो इतना ही गाइस, अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दिस इज फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नए गाइस आके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी मै नेक्स्ट वीडियो, लव यू एंड गुड नाइट, थैंक यू। We'll be right back.